हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद एंड दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे, फोर्ट मैकमुरे सिटी। एक्चुअली इसको मैं सिटी भी नहीं कहूँगा, ना इसको मैं मिनी सिटी कहूँगा, इसको मैं टाउन कहूँगा। ये एक्चुअली फेमस है अपने नेचुरल गैस इंडस्ट्री के लिए और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो तभी देख रहे हो या तो आपने एडमिशन लिया है कियानो कॉलेज में, या तो आप लेना चाहते हो, या तो आप इस सिटी, इस टाउन के बारे में जानना चाहते हो। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा मेन मकसद, देखो कभी भी कहना हो ना, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो दो चीज़ों पर फोकस करो कि आपको वहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पर PR इजिली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चूज़ दिस टू थिंग्स, बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप आराम से हो जाती है, लाइक रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज। क्योंकि पैसे कमाओगे तो आराम से पे भी कर पाओगे, अपने बिल्स भी पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज भी पे कर पाओगे, रेंट भी पे कर पाओगे। सीधा बात करता हूँ जॉब मार्केट के रिगार्डिंग। देखो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अराउंड 65,000 की पॉपुलेशन है, और बहुत बड़ा टाउन भी नहीं है, बहुत छोटा टाउन भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। जॉब्स के रिगार्डिंग इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस कियानो कॉलेज में आई थिंक अराउंड 2,500 स्टूडेंट्स है मिनिमम, और हर तरह का कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो सीधा बात करते हैं जॉब मार्केट के रिगार्डिंग, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर है तो थोड़े बहुत रिटेल स्टोर्स हैं, लोकल स्टोर्स है, या आपको कुछ सबवे, मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, या मैकडोनल्ड भी नहीं है, सबवे आपको मिल जाएगा, बाकी लोकल चेन्स ही है। और अपॉर्चुनिटी मिलना, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हो गए, और भी बच्चे हो गए, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। इट माइट टेक टाइम, लाइक 1 month, 2 months टू गेट अ जॉब, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। जितना ज़्यादा स्किल्स उतना ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी होगी, आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उतना कम कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इतने ऐसे स्किल्स सीखो, प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ के रिगार्डिंग, कुकिंग स्किल्स के रिगार्डिंग, या बार्बर, इस तरह के अगर स्किल्स सीखोगे आपको एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा कि आपको आराम से जॉब मिल सकती है। माइट टेक अ टाइम, बट आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, और आप अच्छा पैसा कमा लोगे उनसे जो कैशियर की जॉब कर रहे हैं, जो रिटेल की जॉब कर रहे हैं, जो बेसिक पे में काम कर रहे हैं। आप माइट भी $300-400 पर डे भी कमा सकते हो, अगर आप प्लम्बर, मैकेनिक का काम आपको आता है तो, या इलेक्ट्रिशियन का काम आपको आता है तो अच्छा खासा, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें नहीं सीख पाते, या कोई सीखना ही नहीं चाहते। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, बार्बर का काम सीख लो अगर आप सीख सकते हो, क्योंकि इट वुड हेल्प यू पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। मैं आपको उसे बता देता हूँ कि एक्चुअली बाकी इतनी जॉब्स मार्केट है नहीं, बट आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोर्ट मैकमुरे एक्चुअली है कैसा। मैं भी एक्चुअली एक टाउन में हूँ अभी, राइट नाउ मैं भी एक्चुअली, मतलब मान लो घूमने आया हूँ इन शॉर्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्ट मैकमुरे एक्चुअली टाउन है कैसा। बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बहुत छोटा टाउन नहीं है, बट बहुत ही ठीक ठाक है। जैसा ये टाउन है वैसा ये वो टाउन है, इतने लोग नहीं होते, बट इसे थोड़ा बड़ा ही है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा टाउन है। आई थिंक इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1,000 है अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और फोर्ट मैकमुरे की पॉपुलेशन अराउंड 65,000 है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो अराउंड 70,000 मान लो आप। देखो वहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, तो एक्चुअली तीन तरह के लोग हैं, या तो वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो फोर्ट मैकमुरे में रह रहे हैं, या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, या तो वो नेचुरल गैस या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई लोग नहीं है, वेरी फ्रैंकली आई वुड से। और अगर आपको लगे कि मुझे पार्ट टाइम टेम्प्रेरी जॉब मिल जाए नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, तो वो टेम्प्रेरी या पार्ट टाइम वाले वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते, वो सिर्फ उन्हीं को हायर करते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉई हो, और जिनके पास PR है या जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं को हायर करेंगे। तो आपको वहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है, और वो भी जॉब जो, देखो एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा, वहाँ पे फोर्ट मैकमुरे में रेंट अकोमोडेशन महंगा है। उसका रीज़न ये है, प्रॉपर्टी इतनी है नहीं, जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी कम है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हले लेते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, नेचुरल गैस इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो पैसा ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज दे अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन इंडस्ट्री से, तो उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अर्न करते हैं, और स्टूडेंट्स को इतना लाइक 1 BHK 2 BHK इतना नहीं पे कर पाते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, या तो वो एक ही घर में तीन चार बच्चे रह रहे होते हैं, एक कमरे में 2 बंदे या 3 बंदे रह रहे होते हैं, जस्ट टू लाइक एडजस्ट
itself. बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग. देखो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नाम है पब्लिक बस चलती है वहाँ पे. फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन हमें टाइम पे पंचो टाइम पे आती है. इतनी बसेस नहीं है लेकिन आती है. अब अगर आप एक लाइक दो घंटे का लाइक पास लेते हो तो आपको $3 का पड़ता है. अगर आप मंथली पास लेते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको पड़ता है $125-$130. एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है क्योंकि आई नेवर ट्राई, मुझे पता नहीं है, लेकिन $130 का आपको मिल जाता है. अगर देखो ये फोर्ट मैक मुरैना एडमिंटन जो दो मेट्रोपॉलिटन सिटी अल्बर्टा में दो मेट्रोपॉलिटन सिटी एडमिंटन एंड कैलगरी. एडमिंटन से पड़ता है 450 किलोमीटर की दूर में. कैलगरी से पड़ता है ये 740 किलोमीटर की दूरी में. तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट तो है, छोटा एयरपोर्ट. अगर आपको पैसा बचाना हो, अगर आप एडमिंटन आए हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप डेली से आए हो, अपनी होम कंट्री से आए हो, ऑब्वियसली बात है टोरंटो जाओ उतरोगे पहले, फिर मैं मॉन्ट्रियल उतरोगे और वहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी एडमिंटन या कैलगरी की रिगार्डिंग. वहाँ से आप अगर फ्लाइट लेना चाहते हो फ्लाइट ले सकते हो. अगर आपको बस लेनी है तो बस भी ले सकते हो. दो बस चलती है, ई बस होती है और एक होती है रेड एरो बस. आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट यही दो बसें होती हैं. मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा. अब हर दोनों बसों का जो प्राइस है वो डिफरेंट है. दोनों बस ठीक है इन टर्म्स ऑफ लाइक कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, बैठने के हिसाब से. उसमें एक चेक इन बैग होता है और एक होता है कैबिन बैग. अब अगर आपको बैग अंदर रखना, लगेज अंदर रखना है, एक्स्ट्रा आपको लगेज अंदर रखना है तो उसका अलग से आपको चार्ज पे करना होता है अराउंड $10-$15. बट ओवरऑल ठीक है, बस थोड़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू फ्लाइट. अराउंड 4.5-5 घंटे लगते हैं एडमिंटन से वहाँ पहुँचने के लिए. अगर आप कैलगरी में उतरे हो तो कैलगरी से फोर्ट मैकमुरे पहुँचने के लिए इट माइट टेक 7 hours और 7.5 hours. बट ओवरऑल प्लेस इज़ फाइन, प्लेस इज़ गुड. अगर मैं वेदर के रिगार्डिंग कहूँ, वेदर बहुत हार्श होता है. अराउंड 4-5 months जो टेम्परेचर जाता है वो विंटर्स काफ़ी हार्श होती है. 6-7 meters की बर्फ़ गिरी होती है. तो अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ फोर्ट मैकमुरे के रिगार्डिंग, जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कुछ खास है नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप आराम से पहुँच जाओगे. बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी सारे हैं तो इट माइट दे विल हेल्प यू आउट. बाकी आसपास कोई इतनी सिटी है नहीं, बड़ी सिटी है नहीं, एक भाई फोर्ट मैकमुरे टाउन ही है. एडमिंटन कैलगरी बहुत दूर पड़ता है. रेड डियर, लेट प्रिस सिटी, वो बहुत दूर पड़ता है. इवन फोर्ट मैकमुरे अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है वेस्टर्न सस्कैचवान के. मतलब सस्कैचवान डिफरेंट प्रोविंस है, अल्बर्टा डिफरेंट प्रोविंस है, किसी को नहीं मालूम. तो उस प्रोविंस से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर पड़ता है, अराउंड 40 या 39 miles समथिंग, कुछ ऐसे ही है. बाकी अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है. देखो आप अल्बर्टा इसलिए आ रहे हो क्योंकि आप कियाना कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और वहाँ पे इजी भी आ रहा है. सबसे अच्छा और सबसे प्लस पॉइंट यही है कि वहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत इजी है और कुछ नहीं है. बाकी अल्बर्टा की सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी है वो है टैक्स सिस्टम. इनकम पे टैक्स सिस्टम, पर आवर के हिसाब से टैक्स सिस्टम, पैसा काफ़ी बच जाता है. अगर आप कोई कमोडिटी बाय करते हो तो उसमें काफ़ी पैसा बच जाता है क्योंकि पूरे कनाडा में दो तरह के टैक्स होते हैं, GST एंड PST. GST मतलब गुड्स सर्विस टैक्स जो 5% है, जो कॉमन है हर जगह, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है. और एक होता है PST मतलब प्रोविंशियल टैक्स. अब ऐसे इंडिया में स्टेट्स होती है तो कनाडा में 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है, तो हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है. अल्बर्टा एंड नुनावत इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0 है. सो पैसा बच जाता है आपका कॉमोडिटीज़ पे और सर्विस में. आप कोई भी सर्विस लेते हो, यही बेनिफिट है. इजी PR है और ये चीज़ है. अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मिनिमम 1 ईयर का कोर्स करो. 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप AAIP में फाइल लगा सकते हो, PNP में फाइल लगा सकते हो, अल्बर्टा में. इट माइट टेक टाइम अराउंड 6-7 months और मोर देन डैट ऑल्सो. 6-7 महीने इनफ है टू गेट अ PR. बट इट्स ऑल डिपेंड आपकी जो जॉब है वो किस कैटेगरी में आती है, ABOC, और या आप किस कैटेगरी में आएंगी. दूसरी चीज़, अच्छा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, फोर्ट मैकमुरे रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के अंदर आता है तो उसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं PR के लिए. तो एक ही चीज़ कहूँगा, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस, 1 ईयर का आपके पास स्टडी होना चाहिए, आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे. आपका IELTS स्कोर जनरल वाला वो मैटर करता है. बाकी आपको 6-7 months के अंदर आपको PR मिल जाएगा. मैं आपको जॉब के रिगार्डिंग एक चीज़ बोल रहा था जो मैंने आई थिंक मिस कर दिया, कि आपकी कैटेगरी, आपकी प्रोफाइल, आपकी पोजीशन जो आप जॉब कर रहे थे लास्ट 1 ईयर से, वो भी मैटर करता है. उसके भी पॉइंट्स होते हैं. जितनी हायर पोजीशन होगी उतना आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. बहुत डिफरेंस नहीं होता लेकिन थोड़ा पॉइंट आपको ज़्यादा मिलते हैं. बाकी ओवरऑल अल्बर्टा इज़ अ गुड प्लेस. एक्चुअली इट्स अ लाइक ग्रेट प्लेस इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, नेचुरल लैंडस्केप, और पीपल आर फ्रेंडली एंड कम्युनिटी आर हेल्पफुल. अगर मैं कोई हिंदुस्तान लोगों के बारे में कहूँ तो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे है, आपको मिल जाएगी अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी. इवन कियानो कॉलेज के अंदर ही अराउंड 50-60% इंडियन स्टूडेंट्स ही है या इंडियन पीपल ही है जो जिनका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से है. सो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये छोटा टाउन ही है, इसी तरह का टाउन ही है फोर्ट मैकमुरे भी.
बाकी ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस इन टर्म्स ऑफ पीआर एंड टैक्स सिस्टम. उसके बाद मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आना कॉलेज में अपने एडमिशन, देखो आप 95% 98% बच्चे यही करते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, पीआर लिया, पॉइंट्स बनाए, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद निकल लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं. वहाँ से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का पार्ट है, जॉब मिल जाए नहीं मिले तो फिर धक्के खाते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, एडमिंटन साइड या किसी और सिटी में, कैलकरी साइड किसी और सिटी में, अल्बर्टा में, वहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अपनी फाइल लगाते हैं AINP में या PNP में, जिस पर भी हमको लगाना हो. बाकी ओवरऑल राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, जॉब मिलना वैसे बहुत मुश्किल है, पर कैनेडा में जॉब्स नहीं है, मतलब हर जगह ही इशूज़ हैं, चाहे ब्रैम्पटन साइड ऑन्टेरियो प्रोविंस में हो या वैंकूवर में जाते हो. इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, डिफरेंट लाइक स्पेशली रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो है ही, अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैनेडा में इतना होता नहीं है, नेचुरल गैस ऑयल है अल्बर्टा में, दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पे टैक्सेशन सबसे लो है, क्योंकि वहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी इकॉनमी ऑयल और नेचुरल गैस पे चलती है. बाकी ठीक ठाक है यार, आ रहे हो तो फोर्ट मैकमुरे आ जाओ, जितने भी कैनेडा के छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे बस आपको ये प्लस पॉइंट यही मिलते हैं कि यहाँ पे आपको पीआर में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, चाहे उसका सस्कैचवान हो, अल्बर्टा हो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक हो, ऐसा ही सिस्टम है और कुछ खास है नहीं. बाकी आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप फोर्ट मैकमुरे आ रहे हो तो वहाँ पर स्टडी करो और स्टडी करने के बाद वहाँ से निकल जाओ, जॉब आप एडमिटन या कैलकरी साइड करो, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस भी वहाँ पर काउंट होगा, उसके बाद आप AINP में फाइल लगा दो, आपको आराम से 6-7 महीने के अंदर आपको PR मिल जाएगा, जैसे ही ड्रॉ निकलता है. एंड इट्स ऑल डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका नंबर आता है. बाकी अब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, एंड जय श्री राम. दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, टेक केयर, गुड बाय.